ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। इसका नाम है करण। इस पर दफा 383, दफा 384 और दफा 386 के चार्ज लगाए गए हैं। ये किशन है, इस पर दफा 290, दफा 300 और दफा 307 के चार्ज लगाए गए हैं। और ये है अर्जुन, इस पर दफा 400, दफा 401 और दफा 351 के चार्ज लगाए गए हैं। आप लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? जज, हिटलर चंपकलाल का वक्त बर्बाद मत करो, इन्हें सजाए मौत दे दो। सजा उन्हें दी जाती है जो मुजरिम है, और मुजरिम वो होता है जो जुर्म अपने गर्ज अपने स्वार्थ के लिए करता है। मुजरिम वो होता है जज साहिबा, जो अपनी मन की शैतान की भूख मिटाने के लिए जुर्म करता है, इंसानियत का खून करता है। लेकिन हमारी जिंदगी की कहानी बिल्कुल अलग है। अगर अदालत सुन ले तो यह कहानी बेगुनाही की दलील होगी। जज साहिबा, कहानी शुरू होती है एक औरत से, एक देवी जिनका नाम सावित्री था। बरसों पहले जब सावित्री मां जवान थी, उन्हें पता चला कि उनका पति डाकू है। इस डर से कि वो अपने बेटे को भी डाकू ना बना दे, वो बच्चा लेके घर से भाग गई। लेकिन उसके पति और उसके दो साथियों ने उसका पीछा किया और सावित्री से उसका बच्चा छीन लिया। इसके पति का एक साथी था चंपू और दूसरा साथी था हरिहर। पटक दिया उठाई के साला, खच्चर की औलाद, ये हफ्ता में 20 वो उठाई के पटक दिया। आज साला तेरे को भूखा मारेगा, तेरी घास हम खा जाएगा देखना। नहीं, नहीं, इसे मैं डाकू नहीं बनने दूंगी, तेरा साला भी नहीं बनने दूंगी, तेरे, तेरे। ऐसे डाकू नहीं बनने देगी, है? चाट। अरे, अरे चाट, अरे, अरे, वो बच्चे को छीन के जंगल में भाग गए, लेकिन पुलिस से ना बच सके। उसका पति पुलिस की गोली का निशाना बन गया। वो बच्चा जंगल में ही मर जाता, लेकिन दो अनजान हाथों ने उसे सहारा दिया। और फिर वो बेबस लाचार मां ने आत्महत्या करने की ठान ली।
एक बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वो रुक गई। वो बच्चा मैं था, मैं। एक कार एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मर गए। शायद मेरे भी नसीब में मौत लिखी थी। अगर सावित्री माँ ने उस दिन मुझे वहां से बचाकर अपने सीने से लगाकर अपनी ममता का दूध ना पिलाया होता तो बस वहीं से सावित्री माँ ने अपना आश्रम शुरू कर दिया। मेरा बाप हरामी था डाकू हरिया, मगर भेस बदलकर ऋषिकलाल प्रमुख बन गया। जब मेरी माँ उसके पास गई तो उसने कहा, बनारसी मेरी औलाद। अरे हम खुद नहीं जानते हम किसकी औलाद है, इसे अपनी औलाद कैसे समझ ले। आज तुम मुझे और मेरे बच्चे को ठुकरा रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी वो हालत करूंगी कि दुनिया वाले तुम्हें ठोकर मार देंगे। इसे ऐसी जगह पहुंचा दो जहां ये जिंदगी भर सर उठाने के काबिल ना रहे। पहुंचा दूंगा, लेकिन इनाम मिलेगा। कैसा इनाम मालिक? आपके यहां राज छुपाए रखता हूँ, ये भी छुपा दूंगा, लेकिन दूंगा ऐसा इनाम दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे कट गई तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। मालिक इस लड़के का क्या करूं? पाल ले। अबे बेवकूफ, कचरे के डब्बे में फेंक दे। फिर कचरे के डब्बे से उठाकर उसने मुझे अपना खून दिया। मेरी जिंदगी उसके खून का कर्ज बन गई। ये रहे दो मनी ऑर्डर किशन और अर्जुन के। कमाल है बहन, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम्हारे दोनों बेटे मनी ऑर्डर भेजना नहीं भूलते। हाँ। एक दिन मैं अपनी जिंदगी खोने जा रही थी, उस दिन एक अनाथ ने मुझे जिंदगी दी और आज वही अनाथ अर्जुन अपने अनाथ भाई बहनों की देखभाल कर रहा है। बिल्कुल माँ, मैं तेरा असली बेटा हूँ ना। याद आई गई ना अपने बेटे की? हाँ, जब से उसे खोया है बेटा शब्द जबान पर आते ही उसकी याद आ जाती है। भगवान उसे जहां भी रखे खुश रखे। भगवान मैं बहुत थक गया हूं, टूट चुका हूं। अगर आज भी मेरे संघर्ष का अंत नहीं हुआ, नौकरी के नाम पर निराशा ही हाथ लगी, तो ये कदम किन राहों पर किस मंजिल की तरफ मुड़ जाएंगे मुझे खुद मालूम नहीं। तुम जानते हो भगवान और इंसान के दरमियान एक ही रिश्ता होता है, उस रिश्ते का नाम विश्वास है। विश्वास की डोर टूट जाए तो इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाता है। आज तक मेरी परीक्षा तुमने ली है, आज तुम्हारी परीक्षा है। अरे क्या 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 मुझे भागा भागा नहीं नहीं। अरे तू 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 शर्म करो बॉस, चले थे मिलके मालिक बनने के लिए, तीन दिन गुंडों से जान बचा के यहाँ वहाँ मुँह छुपा रहे, मुझे भूख लग रही है, चक्कर आ रहे। क्या मार खा के आत्मा का पेट भर गया तेरे को? साले 24 घंटे खाने की लगी रहती है। मगर तू फिक्र मत कर,
ऊपर वाले ने मेरे पैर में लिखा ये है। तो हाथ है। हाथ इंसानों के होते हैं, जानवरों के नहीं होते हैं बे। मेरे पैर की लकीर में लिखा है कि मुझे कहीं से भी माल टैक्सी। तुम लड़की हो? हाँ हाँ लड़की हूँ, करके थोड़ी ना हूँ। साला तुम मर्द लोग झटका तेरे को खा जाता है। वो क्या है, बंबई शहर में पहली बार एक लड़की को टैक्सी ड्राइवर के रूप में देख रहा हूँ ना, इसलिए। क्यों, अगर एक लड़की इलेक्शन जीत के इस देश की नेता बन सकती है तो आप उन टैक्सी ड्राइवर नहीं बन सकता है? बन सकता है। किधर जाना है? हाँ विल्ले पार्ले, जरा चलते। क्या इसका पैकेट तो आपने मार लिया, अब इसके टैक्सी में क्या हाल होगा? टैंकी के वो क्या तेरे बाप को भाई लगता है क्या? चल। वैसे आप टैक्सी ड्राइवर कैसे बन गए? अब उनके पैदा होते ही अब उनकी माँ का ऊपर से वारंट आ गया। बाप टैक्सी ड्राइवर था बेचारा, आप उनको गोद में बिठा कर टैक्सी चलाता था। भूख लगी तो इधर ही दूध पिलाता था। आहिस्ता आहिस्ता अपन इधर ही बड़ा हो गया। अरे टपोरी के बाजू हटना। हाँ किधर था अपन? था हाँ, करते करते बड़ी हो गई। हाँ मजाक मजाक में अपन ने टैक्सी चलाना सीख लिया। इधर अपन को जवानी आया, उधर अपना बाप का मौत हो गया। अपन बिल्कुल एकदम अकेला हो गया, कोई रिश्तेदार नहीं, ना भाई ना बहन, बस एक अपन, एक अपना टैक्सी और सामने साला मतलबी संसार। भगवान भला करे उस जज का जिसने ऑर्डर पास कर दिया कि तारा को लाइसेंस मिलना ही मांगता है। बस फिर क्या था, अपन टैक्सी ड्राइवर बन गया। अरे रोको टैक्सी, रोको यहाँ रोको। कितने पैसे हुए? 17 रुपया 12 आना। अरे साहब अभी आप उनको यह मत बोलना कि किसी ने तुम्हारा पॉकेट मार लिया। जेब तो मेरी वाकई कट गई है। अब तुम चाहो तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ या थोड़ी देर यहां इंतजार करो, नौकरी मिलते ही मैं एडवांस लेकर आता हूं, तुम्हारे पैसे चुका देता हूं। अच्छा ठीक है ठीक है, पैसे लेकर आना। हाँ मिस्टर करण जी, तुम झूठ बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं। बेईमानी कर सकते हो? कभी नहीं। धोखेबाजी कर सकते हो? जान जाने के बाद भी नहीं। पैसे की हेराफेरी कर सकते हो? ये काम मैं अपनी मां का खून करने के बराबर समझता हूं। तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। यू कैन गो। आपका मतलब है कि ये सारी जिंदगी की मेहनत, ये बरसों की तालीम, ये डिग्रियां सब बेकार हैं? हेलो यार, कोई काम का आदमी भेजो, ये तो जरूरत से ज्यादा शरीफ है। आप उन उसको शरीफ आदमी समझा? साले ने अपन के विश्वास का पंक्चर कर डाला। माफी आप, अरे निकल रहे साला हरामी। 17 रुपए का 25 रुपए वसूल नहीं किया तो आप उनका नाम भी तारा नहीं है। आज फिरा दिया साले ने अपना खोपड़ी। साला आज तो अपन लफड़ा करके ही रहेगा, उसका 1-2 का 4 नहीं कर दिया तो आप उनका नाम भी तारा नहीं है। बाबा नहीं, ऐसा नहीं है कि बेईमानी की धूप में आज की दुनिया में सबका ईमान जो है वो भाव बन के उड़ गया है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपने दर्द समझते हैं। मुझे अपने हमदर्द समझो और ये पैसे लो, वक्त बर्बाद मत करो, अपने बाप का क्रियाकर्म कर लो। कहाँ जाएगा तू, तुझे सुबह से ढूंढ रहे। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मारना चाहते थे? मैं एक छोटा मोटा गरीब सा व्यापारी हूँ, तेल बनाता हूँ और बेचता हूँ। ये बड़े बड़े जो मिल वाले हैं ना, उनको पसंद नहीं है,
वो मेरा धंधा बंद कराना चाहते हैं, मेरे पीछे गुंडे लगाती हैं। तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो गरीबी की इज्जत भी रह जाएगी और एक दूसरे की मदद भी हो जाएगी। मेरे लिए काम करोगे, नौकरी करोगे मेरे पास? बाबा, जिन शोलों ने मेरी सच्चाई, मेरी विद्या को जला के राख किया है, वही शोले अब मैं इस दुनिया के दामन में भर दूंगा। किसी को तेल देने का नहीं, एक बूंद तेल नहीं है, बोल देना नहीं तो बहुत मानूंगा तेरे वहां समझ ले। हेलो चंपकलाल, लाओ मेज। नो स्टॉक प्लीज, नहीं है तेल, नहीं है, नहीं है, हट नहीं है, जा तेल लेने जा। चंपक मेरी डार्लिंग, क्या चाहिए तेरे? क्या चुम्मा चाटी करता है? वीडियो चाहिए? अबे नहीं 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 है तेल, नहीं है बे, फटफटी चाहिए ना, मिल जाएगी नहीं यार? तू हो गया। हां क्या चाहिए तेरे को? तेल। पैसा रख इधर, तेल इधर से नहीं निकलता है, निकल बाहर। ओके, इसके मुंह में तो गोंद निकलता है, देख क्या बात कर रही है। चंपकलाल जी, शक्ल तो दिखाओ। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे मरे हुए भाई की याद आने लगती है। और मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे मेरे मरे हुए बाप का कुत्ता याद आता है। कुत्ता? वो भी इतना ही शरीफ था। तुम जाओ, पैसे रखो और निकलो बाहर। तेल तो मिलेगा? हाँ तुम जाओ, तेल नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मिलेगा, मिलेगा ना। कितना बदबू फूक लगा, बास आ रही है, मैं फ्लेट मारूंगा मेरे मुंह। अरे कुछ भी हो बॉस, बहुत माल छाप लिया। और तेरे को मैंने यहाँ काहे के लिए रखा है? मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेगा, तेरा बाप चेक करेगा? अरे बेटा, ये जितना माल कमा रहा हूँ सब तेरे कारण है। जो मैं कमा रहा हूँ उसमें तेरा भी हिस्सा ही ले बेटा, तेरा चले लेना यार। तेरी वजह से मेरे दामन में आता है, मेरे दामन से तेरे दामन में जाता है। अबे तू क्या फुसुर फुसुर कर रहा है, अंदर कुछ है कि नहीं? वो तो ठीक है, आपने मुझे नया नाम क्या दे दिया? एसीसी। अरे एसीसी दो नाम मिला के एक नाम बनाया, मतलब असिस्टेंट कम कंपाउंडर। तू मेरा असिस्टेंट भी है, कंपाउंडर भी है, और मैं तेरा भी एसीपी, मतलब तेरा बॉस भी हूँ, तेरा पेशेंट भी हूँ। समझ गया? समझ गया, समझ गया। मार खाया समझता नहीं है कि देश का क्या होगा, मेरी समझ भी नहीं आता, मैं चला नहीं सकता देश को ज्यादा। बोला साहब किधर जाने का है? तुम ए, चल बाहर निकल। अरे बाहर निकल। अरे मेरी बात सुनो। अरे सुनो, निकल। अरे अरे क्या क्या समझता है? अरे, तो, अरे, ना फुटर को शरीफ आदमी समझकर छोड़ दिया था तू, तो अपना बाप निकला सारा, आपको छेंडी लगा के चला गया। क्या क्या समझता है? समझता था आप उनसे बच के भाग जाएगा? साला आप उनका नाम तारा है, मेरे जैसे टेढ़े आदमी को दिन में तारे नहीं दिखा देना, तो आप उनका नाम तारा नहीं। चल निकल, जय भीली कर। साला एक्टिंग करता है, क्या हुआ? ए नाटक बात करा? अरे 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 शर्म नहीं आती क्या? इतना बड़ा आदमी होके रोता है? चूड़ी पे चूड़ी, छोकरी साला रोता ही चला जा रहा है। ए दूं क्या? तुम भी ये कपड़े देकर धोखा खा गई। मेरा एक दोस्त लॉन्ड्री में काम करता है, उससे मांगकर पहने हैं मैंने। इंटरव्यू दे देकर मेरे सब कपड़े खत्म हो गए। अब तो नल का पानी पीकर दिन गुजारता हूँ। नल का पानी? वो भी मुंबई का? हाँ हाँ, वो भी मुंबई का। 3 दिन से खाना नहीं खाया, और तुम्हारा एक और नल का हाथ लग गया तो इस 6 फुट के आदमी को शमशान ले जाना पड़ेगा। जरा लाना तो। अरे मेले माला हाथ तो बुलाओ, खाना खाएगा क्या? हाँ हाँ चलो चलो। अरे आराम से खा, आराम से खा। कल भी अगर भूख लगे ना तो देर ही जाके खाना खा लेना। अपन देर को दो निवाला खिला सकता है, मगर अपन का मेहनत पसीने का कमाई, अपन का भाड़ा 25 रुपया 12 आना अपन देर से वसूल करके छोड़ेगा, ये बात समझ ले। हाँ हाँ जरूर, मगर तू खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, भगवान तेरा भला करे। एक बात बोलूं तारा? बोल। तू इस दुनिया में सबसे अच्छी है। ए शाने, शान बद्दी करने की कोई जरूरत नहीं, समझा क्या? चुपचाप खाना खा, फूट ले यहाँ से। चल खा।
अच्छी बोला तो अच्छा नहीं लगा। शौना बनता है, येड़ा बन के पेड़ा खाएगा क्या? ये सब क्या है, क्या है ये सब? ये लाशें किसकी हैं? मेरे घर में कैसे आई? इन सब लाशों का क्रियाकर्म तुम्हें करना होगा। मुझे? मुझे क्यों? क्या किया है मैंने? तुम्हारी शह पाकर उस चंपकलाल तेल मिल के मालिक ने ऐसा जहरीला तेल बनाया जिसे खाकर ये लोग तड़प तड़प कर मर गए। इन तमाम लोगों का खून तुम्हारे सर है। इतने सारे मासूम बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया छीन लिया है तुमने। इतनी सारी औरतों को विधवा कर दिया तुमने। कितनी बदनसीब होगी वो माँ जिसने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। बस करो, बस करो। गए, मैं एक गुनहगार हूं और ऐसे लाखों पत्थर मेरे गुनाहों के बदले में कम हैं। लेकिन अगर मुझे मारने से तुम्हारे मरने वाले दोबारा जिंदा हो जाते हैं तो मैं मरने के लिए खुशी से तैयार हूं। वरना एक मौका मुझे और दीजिए, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं उस पापी की दुनिया में आग लगाऊं जिसने मेरे हाथों ये पाप करवाए। मैं मरने वालों को जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन उनके बीवी बच्चों की, उनके मां बाप की जिम्मेदारी उठा सकता हूं। इन यतीम बच्चों की परवरिश आज से मेरी जिम्मेदारी है। इन विधवा बहनों की परवरिश मेरा कर्ज है। इन बूढ़े मां बाप को मैं इनके बेटे की तरह पालूंगा। आज से मेरी जिंदगी का यही मकसद होगा। अरे ये क्या बदमाशी करन? दरवाजा खोल के आ जाता, कोई तोड़ के थोड़ी आ जाता। अभी तक तो मैंने सिर्फ दरवाजा तोड़ा है, अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अरे इतनी मिल के एक को नहीं मार सकते? अरे रुक जा रे, अरे रुक जा। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। मैं धंधा नहीं दीजा, मेरा ब्लड प्रेशर कितना हो गया? 420। नहीं, मैं तेरा नाम नहीं मैं जो प्रेशर कितना है मेरे को नहीं मालूम। रुक जा करण, पैसा चाहिए मेरे को बोल, मैं देता हूँ। मत कर, छोड़ दे, जाने दे। अरे कौन कुत्ते की तरह भोंग रहा है यार? उधर। अरे कुत्ता, अरे शंभू सेठ कैसे आना हुआ ये टाइम पर? कैसे आना हुआ अभी बताते हैं। उठाओ सब इसका सामान, ले जाओ उठाकर, कोई चीज मत छोड़ो। अरे ये कुर्सी उठाओ। अरे तुम लोग व्यापारी हो कोई भिखारी हो? मेरे सामान का लेके जा रहे हो? बेचने के लिए। ये सामान बेचकर हम अपना रुपया वसूल करेंगे जो हमने तुमको तेल की फैक्ट्री चलाने के लिए एडवांस में दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो ठहरो, ऐसा जुल्म मत करो। मैं बिल्कुल लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी भी हालत हो गई, मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है। वो हम देंगे, चलो सामान ले जाओ, सामान ले जाओ बाहर। अरे सुनो यार, मेरा सामान। अरे 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 खा लेके जा रहे हैं लोग यार। इसकी चिंता तुम मत करो, ये लो। मेरे को जहर खाने को पैसा दे रहे हो क्या? बिल्कुल, जब तुम हमें धोखा दे सकते हो तो हम तुम्हें जहर नहीं दे सकते। उठाओ टीवी। अरे ये टीवी का लेके जाओ। ए, मेरा टीवी मत लेके जाओ। अरे मेरी शाम कैसे गुजरेगी यार? अबे क्यों चिल्ला रहे पागलों की तरह? फुटपाथ में दरिया के किनारे अनाथों की टोली में बैठ। अरे क्या चंगेज खान के औलाद है यार? अरे ये मेरी मोटरसाइकिल का लेके जा रहे हो? सामान सब ले जा रहा है तो चाबी रख के क्या करो? अरे मेरा टिफिन तो रहने दो, मैं खाना कहीं में खाऊंगा। अरे पैसे होंगे तो खाना खाओगे, पैसे नहीं होंगे तो टिफिन में खाना खाता है। अरे कम से कम गिलास तो रहने दो, पानी कहीं में पीऊंगा। अरे सड़क पर म्युनिसिपैलिटी के नल से मुंह लगाकर पानी पी लेना, गिलास का क्या काम? का चश्मा ले लो। अरे चश्मा भी ले जा रहे हो? अरे तेरे को चश्मे का क्या काम है? कौन से चेक साइन करने हैं?
अरे मेरा तो दिल करता है कि चश्मे के साथ साथ तेरी आंखें भी निकाल के ले जाओ और किसी अंधे को दे दूं ताकि 5 रुपए तो मिल जाए। मेरी आंख का 5 रुपए क्या भाव है? अरे चलो उठाओ 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 चलो चलो मुझको। जहाँ पर पुराना माल नीलाम होता है ना वही जाकर नीलाम करने का इरादा है इनका। लेकिन मेरा नीलाम करके क्या करेंगे लोग? उनमें से एक बोला था कि तुमको मार कर तुम्हें भूसा भरकर तुम्हारा पुतला बनाकर तुम्हें विलायत के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। हट मिल जाता मेरा सत्यानाश हो। खड़े खड़े सेठ चंपक को फकीरी की चेचक लगा के चले गए। एसीसी मेरा क्या होगा? क्या बेवकूफों जैसी बात है? क्या मतलब है? मेरा मतलब था फिकर मत करिए ना, आज अमेरिका से आपका बेटा रॉबिन जो आ रहा है। रॉबिन? अरे हाँ मेरा बेटा भी आ रहा है, मैं भूल गया था यार। बीसी भी एक बात बताइए, आपका बेटा अमेरिका करने के गया था? तू किसी को बोलेगा तो नहीं? नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। क्या था मालूम, इधर वो छोटी मोटी चोरी फांदेबाजी करता था तो उसको कमीशन ने पकड़ के इंडिया से तड़ी पार कर दिया। तो मैंने उसका नकली पासपोर्ट बना के अमेरिका भेज दिया। वहां जाके उसने जुर्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से। वो गया था रमेश के नाम से, आ रहा रॉबिन के नाम से। रॉबिन? रॉबिन वो रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है वही ना? अबे टनी के वो रॉबिन हुड है, इसमें हुड नहीं है, खाली रॉबिन है। ये अमीरों को भी लूटता है, गरीबों को भी लूटता है, फकीरों को भी लूटता है। मेरा बेटा है। अभी जहाज आने में टाइम कितना बाकी है यार? साले घड़ी भी उतार के ले गए यार। कोई फिक्र मत करो, घड़ी नहीं घड़िया खरीद लेना, रॉबिन आने वाला है। चलो जहाज का वक्त हो गया। ठहर तेरे को बहुत कहां से मालूम पड़ा? तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। वो क्या है कि आपका वक्त खराब चला ना, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। मेरा बेटा अब तक नहीं आया, कहीं पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? आपका बेटा प्लेन से आने वाला था ना? और नहीं तो क्या अमेरिका से म्यूनसिपालिटी के बस में लटक के आ रहा है क्या? उल्लू का पट्टा? नहीं नहीं आप बोल रहे कि पिछले स्टेशन पे तो नहीं उतर गया? बीसीपी कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों का मुंह हिंदुस्तान में काला हो रहा है और वो अमेरिका से अपना मुंह काला करवा के आ रहा होगा? शमशान में जले हुए काले कुत्ते, शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। तेरी चुपचाप खड़े रह जाते। अबे उधर नहीं इधर। नमस्ते। अरे आलिया। नमस्कार 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 नमस्कार, धन्यवाद। अबे एयरपोर्ट पे क्या चुराने? ए आलिया, अरे हरिया, अरे तू तो क्या दूर है, दूर। क्या बात करता है तू? मेरे को नहीं पहचानता? मैं चंपा को चंपा यहाँ भी आने लगे। ये तो हालात के धुएं ने तेरा मुंह काला कर दिया, वरना अंदर से अभी तक चमकदार हूँ। तेरे मैं तेरा मुंह पोंछ के दिखाता हूँ, देखे। नहीं शांति शांति, पागल है? नहीं मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चंपक हो या चेचक है, जैसे तू हरिया हो या आफत की पुड़िया हो। देखो हर जरूरतमंद की मदद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, है ना? हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अभी मगर तेरा दरवाजा है किधर? ए अरिया, ए मेरी बात आप क्या तू पहले सुन ले। तू मेरे को साथ में लेके चलने तो मैं तेरा फूल खोलूंगा। अरे हट यार, चलो चलो। ये मेरा कार्ड है, इस पते पे कभी भी चले आना। ये एड्रेस बुलाओ ना, बटन तो नहीं मार रहा। अरे हट रहा है, हट ले जा इसे। ये अरिया घोड़े से गाड़ी में कैसे आ गया? ए चलो हटे हट। बीसीपी आपका बेटा कब आएगा? आ गया मेरा चांद, आ गया चांद, आ गया। अबे ऊपर नहीं उधर दे वो मेरा बेटा, मेरा चांद। चलो ये गाड़ी पीछे नहीं छोड़ता है। क्या मतलब कि मेरे को भिखारी समझ के एक रुपया टिका के चला गया और तू खड़ा तमाशा देख रहा है? मैं क्या करूं, उसने अपने बाप को नहीं पहचाना, मेरी क्या इज्जत करेगा वो? ए बेटा, ए अरे सुन ना, क्या करता है बेटा तू? तू मेरा पैसा टिका के चला, मैं कोई भिखारी थोड़ी हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। बाप? यू मीन फादर? हाँ। इतना भयानक सूरत, सौ गड्ढा मागली। अरे काय की अगली और काय की पिछली सब बराबर होगी, वो तू छोड़। तू आया ना अमेरिका से, तो मैं तेरे स्वागत के लिए दिए लाया हूँ। देखा क्या है? अरे और क्या है, हार किसी की आर्थिक पर से उठाकर लेकर आ गया? फकीर की शादी थी वहां से चुरा के लाया हूँ। व्हाट? मेरे पास हार तो क्या, उसका धागा खरीदने के पैसे नहीं। तो ये सब पहले बोलना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर। मैं ऐसे भिखारी बाप के पास हिंदुस्तान वापस नहीं आता। ये सब कैसे हुआ बाप, कैसे हुआ? अब तू यही खड़े खड़े सब पूछेगा क्या? चल अपन झोपड़े में चल के डिस्कस करते हैं। झोपड़े में? आपने एक झोपड़ा, उसकी दीवार नहीं, छतरी, खिड़की तो लगाते नहीं है, बहुत अच्छा झोपड़ा है। टैक्सी? टैक्सी? कार कहाँ है? कार? यहाँ हार के पैसे नहीं तो कार किधर जाएगा? तू चल रहा है? बोल किधर को जाने का है? वाओ लेडी कैब ड्राइवर, अमेरिका की तरह इंडिया में भी लड़कियां टैक्सी चलाती हैं, वेरी नाइस। सिर्फ टैक्सी ही नहीं, जरूरत पड़े तो जबान चलाती हूँ, फिर हाथ चलाती हूँ, फिर लात चलाती हूँ, समझ गया? किधर जाएगा? एनीवेयर, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे स्वीटहार्ट। साला आला रे आला, पी के ले ले आला, हाथ में लेके
कानून का ताला। चल बाहर निकल सारा, निकल बाहर। सारा का जाला बहन, टैक्सी में बैठ के मेरे साथ हाथ चालाकी करता है। मैंने गुस्से से देखा तो मेरे को बोलता है गुस्से में तेरे गाल स्पेन की सेब की तरह चमकने लगे। बिल्कुल बिल्कुल गलत बोला। तो चिंता मत कर तारा बहन, मैं मार मार के इसके गाल कुल्लू के सेब की तरह लाल कर दूंगा। तू चल अंदर चल। हे, 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 सुनो, मगर ए अगर मगर करेगा तो तेरा मुंह काला करके पूरे नगर में फेरा दूंगा। तू चल चल चल। ये है ना, ये मेरा बेटा है। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है, अगर बाप का मुंह काला है तो बेटे का दिल काला है। चल आज चल चल आज चल चल लौका मती तुझा इच्छा चल लौका मती। एक मिनट, ये बेचारा अमेरिका से अभी अभी नवा नवा आया, इसको यहाँ की तौर तरीके नहीं मालूम। ये अमेरिका के अंदर वहाँ बंदरों के साथ रहता था क्या, या उधर के चिड़ियाघर में रहता था जो इसको शराफत के तौर तरीके नहीं मालूम। चल या मदिया, या या मदिया, या इंस्पेक्टर ये नहीं जेल। क्या या? अबे ओ या की औलाद, अबे पतझड़ की तरह तो अकल के पत्ते भी झड़ गए क्या? डैड, एक तो अपने खुद की हालत खराब है, क्यों कड़की में आटा गीला करने चले आया तू? क्या बोलता है? लेकिन स्टाइल देखो, अभी अमेरिका से लोग आते तो इज्जत से अपने घर जाते हैं। का पुलिस लॉकर में चला है। क्या किया मैंने? साहब इसको माफ कर देना, अभी माफी मांगना। मेरे को माफ कर दो साहब। ये क्या बोलता है? क्या मालूम, मेरे मालूम नहीं। क्या बोला बे? मेरे को माफ कर दो साहब। अबे हिंदी बोलना। हिंदी में बोलता डैड, माफ कर दो साहब। ये कैसी हिंदी है? ठीक है, दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो ये अपन का इंस्पेक्टर ले है ना, अंदर ले जाकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा कि लड़कियों को छेड़ना तो दूर, आंख उठाकर भी देखेगा ना तो आंख की दोनों गोटियों में दर्द होने लगेगा। समझा क्या? क्यों जा, क्यों जा? चल। अरे क्या करता है? डैड, ये लड़की है बैड। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं? अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला है। ये देखा है, ये भी बैड नहीं है। चल चल। किसने पैदा कर दिया इसको? मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ दया कीजिए प्रभु। मेरे भाई को भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। फर्नांडेज जी, इन दोनों को हमारा लेटर दे दो, और उनके बेटे का, उनके भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए, है ना? सुनो जी, वो जो बगल में बैठी जी, रात को बेडरूम में, उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। हो जाएगा प्रमुख। नारी सेवा मेरा धर्म है। नमस्ते। हटने का भिखारी तो भाग गया। ए हरिया, ये गोल हो गया, मेरे पहचान तक नहीं यार। तुम आओ आओ, मेरा दरबार सबके लिए खुला है, भिखारियों के लिए। ए हरिया, कौन भिखारी? आओ मैं तुमसे उधर बात करूं। बोलता साला ऐसा नहीं बोला। अरे वाह, चुप रह, अब मैं हरिया नहीं। तो क्या है? मैं सोशल वर्कर रसिक लाल प्रमुख हूँ। साथियों अब आज आप प्रस्थान की। ये भाड़े की तो नहीं है ना? क्या बात करते चंपू? नहीं ऐसी पूछ रहा हूं। चंपू आजकल तो अपनी वो पोजीशन है कि जिन नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है मैं उन्हें रुपया देता हूँ। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में मैं अपना धंधा चलाता हूँ। कानून की गोद में बैठकर मैं हर गैर कानूनी काम करता हूँ। मैं उनकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करते। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूं। क्या झक मार रहा हूं? मेरी आजकल ये हालत हो गई है कि मैं फकीर के सामने से गुजरता हूं तो वो मुझे भीग के चला जाता है। अच्छा खासा दौलत के तालाब में बैठ के नोटों से नहा रहा था, तकदीर ने ऐसा झाड़ू मारा कि नोट तो नोट, तालाब भी गायब हो गया। भाई मैं समझा नहीं चंपू। जाने देना, नहीं समझा तो मैं तो कहां समझाऊं तेरे को यार। ये मेरा बेटा, बेटा है रॉबिन। अच्छा, ये मैं, तेरा नाम क्या है? रसिकलाल। रसिकलाल, ये अमेरिका से जुर्म की डिग्री पास करके आया। वाह, मुबारक। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे देसी स्टाइल में सिर्फ बॉम्बे में चलाता है। अगर आप इसे पूरे हिंदुस्तान में अमेरिकन स्टाइल में चलाएं तो आपका फायदा डबल डबल होगा। अच्छा, वो कैसे? अंकल, आपने अमेरिका की माफिया गैंग के बारे में तो सुना होगा, जो गवर्नमेंट के होते हुए भी अपनी गवर्नमेंट अलग चलाती है। अगर हम भी इंडिया में अपनी माफिया गैंग बनाएं तो हम भी अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। बोलते जाओ, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। यहां हर साल 150,000 नौजवान डिग्रियां हासिल करके कॉलेज से निकलते हैं, उनमें से सिर्फ 10,000 को नौकरियां मिलती हैं, बाकी के 140,000 नौजवान बेकार सड़कों की खाक छानते फिरते हैं। हम उन नौजवानों से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अंकल, उन्हें अपने नशे की आदत डलवाकर अपना गुलाम बना सकते हैं,
मगर अंकल, अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें दो पावर्स, दो ताकत का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है, एक पुलिस और दूसरा कानून। अगर ये दोनों ताकत हमारी मुट्ठी में होंगी तो हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे। वी शैल बी किंग्स। राजा राजा चंपू, तुम किंग, मैं राजा। मैं किंग? किंग्स? वाह, मैं किंग। बैड न्यूज़ किंग। प्रमुख जी, हमारे वार्निंग देने के बावजूद भी तीर पार्टी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और कल स्पीच देने जा रहा है। क्या? हाँ। अब क्या करना चाहिए? किसी भी बहाने बॉम्ब से उड़ा दो। बहुत दिनों से जेवर लेकर तुम दो शैतानों को मैं ढूंढ रहा था। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। माजी फाटली पटलून हेलो पीके लेले पे बारूद का बम फेंक दो। मैं तुम दोनों को एटम बम से उड़ा दूंगा। मैंने नहीं, हाइड्रोजन बम से उड़ा दूंगा। नहीं, न्यूक्लियर बम से उड़ा दूंगा। ए मुंबई की पब्लिक, पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो। मैं तुम दोनों को उम्र कैद करा दूंगा, सूली पर चढ़ा दूंगा। अरे पकड़ो, चप्पल बाबा जी। हवलदार एक पागल आदमी हमारा पीछा कर रहा है, पकड़ो इसे। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं सेंटर फीक के ले लूँ। चप्पल भाई जी, प्लीज सेंटर फीक के ले ले, बचाओ। अरे मारना नहीं। तूने उसे माँ क्यों कहा? तूने उसे माँ क्यों कहा? तेरा क्या रिश्ता है उससे? मेरा रिश्ता उससे वो है जो एक माँ बाप से भी ऊंचा है, समझा? मैं एक यतीम लावारिस जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं, जिसे उस देवी ने अपने आंचल का सहारा दिया, जिसने अपना दूध पिलाकर मुझे दोबारा जिंदगी दी। इन रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो उस देवी का दूध है, समझा? लेकिन तुम्हें तो कभी मैंने उनके साथ नहीं देखा। और अपुन ने भी तेरे को उसके साथ कभी नहीं देखा। तेरा रिश्ता क्या है उससे? वो तेरी माँ कैसे? कौन है बे तू? कचरा, कचरा हूं मैं। जैसे लोग अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह बचपन में किसी ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। शायद वही मैं मर गया होता। उस ममता की देवी की नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, अपना खून दिया। इसलिए वो देवी मेरे लिए मां है। बल्कि अगर मां से भी ऊंचा कोई रिश्ता है तो वो देवी मेरे लिए वही है, वही है। कमाल है, हम दोनों की एक ही मां है, फिर भी हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। उसकी एक वजह है, जब मैं 7 या 8 साल का था मुझे पता चला
कि मैं ऐसा एक लावारिस हूं जिसकी मां तो थी लेकिन बाप कोई नहीं था। समझ गए ना? दुनिया जिसे नाजायज और लावारिस कहती है, हरामी, मैं दुनिया की नजरों में वही था। खैर, मैं अपनी मां की तलाश में निकला मगर वो कहीं नहीं मिली। बस मैं था, मेरी तनाई थी, मेरी ठोकरें थी। एक दिन यूं ही पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं स्कूल में गया तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा, स्कूल में शरीफों के बच्चे पढ़ते हैं, लावारिस और हरामी बच्चों के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। बस उस दिन से मुझे पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, उन तमाम नामों से नफरत हो गई। मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक था। फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था मैं, इंजीनियर बनूंगा ये मेरा सपना था और एक लड़की से प्यार था। डैडी, ये अर्जुन है, याद है इनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था? अच्छा है। वैसे तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? सर, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। ओ, अनाथ हो? जी हाँ सर, मैं अनाथ हूं। मगर सर, भगवान के दिए ये दो हाथ हैं मेरे पास, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा सर। डायलॉग हिट है ससुर जी। भाई वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए हंगामा जी को चुना था, मशहूर एक्टर हैं, आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तुम्हारी बातें और अपनी बेटी की चेहरे की चमक देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, लिहाजा तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू ससुर जी। कर देती हूं इसे अपनी प्रेम कहानी किसी फिल्म में फिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए, तो पिक्चर हिट हो जाए, हीरो हीरोइन मिल जाए, फिट जाए तो पिक्चर हिट हो कमिश्नर साहब, फर्स्ट क्लास चॉइस है आपकी बेटी की। अर्जुन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी सबसे आगे है। जिसकी जेब में कोटी कौड़ी नहीं होती उसकी क्लास सिर्फ गरीबी होती है। अरे गरीब लावारिस लड़का मेरी बेटी की पसंद हो ये मुझे कतई पसंद नहीं। प्रिंसिपल साहब, आप सिर्फ इतना सोच लीजिए, कल से अगर ये लड़का इस कॉलेज में नजर आया तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा ये आप लोगों ने सोचा है? मैं गरीब हूं, इतने पैसे कहां से ला पाऊंगा? इस कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आया हूं, अगर आप लोगों ने मेरी स्कॉलरशिप रद्द कर ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन, हाँ हाँ, आओ आओ आओ। सर, सर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब मैं आपके सिर्फ 3 मिनट बर्बाद करना चाहता हूं सर। देखो हर कॉलेज के कुछ नियम होते हैं और वो है डोनेशन। सर, 3 मिनट में से 1 मिनट आप खा गए हैं सर, अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अर्जुन, मैं मजबूर था, यकीन मानो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए दूसरे कॉलेजेस में कोशिश भी की थी। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है सर। किस बात का? सर, आपके कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट में मैंने यह सीखा है कि 3 केमिकल्स मिलाकर 3 घंटे में 3 बॉम्ब बना जा सकते हैं। सर, पहला बॉम्ब है ना, आपके कॉलेज के मेन हॉल में रखा है, उस पुतले के नीचे जो आपके बाप का है। और दूसरा बॉम्ब मैंने उस क्लासरूम में रखा है सर,
जहां मैंने पढ़ाई की थी। और तीसरा बॉम्ब, ये रहा सर। अगर आपने 3 मिनट बर्बाद ना किए होते तो शायद ये कॉलेज बच जाता और आप भी। गुड बाय सर। संभव रघुनाथ, प्रिंसिपल साहब तो बच गए लेकिन मुझे जेल हो गई। मैंने हमारी शादी के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे, वो तुम हो सके तो आश्रम में जाकर माँ को दे देना और मुझे भूल जाओ। अर्जुन, मैं और तुम्हें भूल जाऊं? मैंने सिर्फ अर्जुन से प्यार किया था, उस गरीब अर्जुन से। जब तक मैं जिंदा हूं उससे प्यार करती रहूंगी, और अगर तुम मुझे भूल गए ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो सपना टूट गया। इत्तेफाक देखो दोस्त, एक ही माँ के आंचल में दोनों पले, एक ही माँ का दूध पिया, अब रिश्ते में हम दोनों भाई हो गए। तुम लोगों की वजह से वो दोनों गुंडे मेरे हाथ से निकल गए। क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? इंस्पेक्टर पीके लेले को नहीं पहचाना, इस भर्ती को नहीं पहचाना, इस पतलून को नहीं पहचाना? सर ये पतलून नहीं है तो चड्डी होगी। खामोश, ढूंढो उनको, तलाश करो, यही होंगे। तीन ऊपर जाओ, तीन उधर जाओ, तीन इधर जाओ, तीन उधर जाओ, तीन माजा बरोबर। थ्री विद मी। कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर पीके लेले के हाथों से कहां बच के जाएंगे वो दोनों गुंडे। किशन, मैं पुलिस को संभालता हूं, तू निकल यार। कमाल है, पहली बार भाई मिला है उसे पुलिस का हवाले कर दूं? नहीं, तू भाग जा। अरे यार, तू पैसे इकट्ठे करके मुझे जमानत पे निकाल सकता है? तू पढ़ा लिखा है, माँ को अच्छी तरह संभाल सकता है, मेरा क्या है? ना दुनिया को मेरी जरूरत है, ना मुझे दुनिया की जरूरत है। लेकिन अर्जुन को किशन की जरूरत है यार। ओहो, ठीक है, ताश करते हैं। ओके। कुठे गेले घासले छाप, आता मी पण त्यांची नाडी सोडतो। एक्सक्यूज मी, कौन? बेंच पोस्ट प्लीज। स्टाइलर। ओ क्या मालूम। पकड़ो इसको, ये है वो गुंडा मुजरिम। अरे पकड़ लिया, अरे पकड़ो, भाग ले ना भाई। अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया, पीके ले ले ले, पकड़ लिया। अरे अर्जुन, एक बुरी खबर है, तेरी माशूका सागरिका का बाप उसकी शादी का ऐलान करने वाला है, वो भी उस जगह जहां एक्टर हंगामा को फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है। ऐसा क्या? बिल्कुल, लगता है साले एक्टर को अवार्ड का रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। राधाओं भगिनियों, आज के इस फिल्म अवार्ड फंक्शन के लिए, मतलब पुरस्कार वितरण समारोह के लिए, एक मुख्य अतिथि की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमारे हरदिल अजीज श्री पुलिस कमिश्नर डीएन मेहता साहब से प्रार्थना करूंगा कि वो पधारे। तालियां पधार कर सदारत ग्रहण करें। तो हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिल्म का नाम है अपनी प्रेम कहानी, और बेस्ट एक्टर अवार्ड यानी कि उच्च कोटि के कलाकार का पुरस्कार श्री हंगामा जी को दिया जाता है। अपनी प्रेम कहानी किसी फिल्म में फिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए, तो पिक्चर हिट हो जाए। हीरो हीरोइन मिल जाए और विलन बिक जाए, पिक्चर हिट हो जाए।
इंस्पेक्टर, ये पुलिस थाना है तंदूर खाना, जरा पंखा तो लगाओ जल्दी। शट अप, ये लॉकअप है, तेरे बाप का फाइव स्टार होटल नहीं, चुपचाप बैठा रहे वरना कान पकड़ कर यहां से बाहर फेंक दूंगा मैं। ए किशन, अर्जुन तू तू पकड़ा गया? अरे आहिस्ता भाई आहिस्ता, भड़क मत, गर्मी मत खा, आज मैं जमानत का पूरा बंदोबस्त करके आया हूं। वो कैसे? वो ऐसे, आज मैं सागरिका को उसके बाप के सामने किस करके आया हूं। क्या क्या बात कर रहा है? कसम से तो कमिश्नर को तो करंट लग गया होगा। अरे करंट क्या लगा, ऐसा लगा कि अखे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रिसिटी उसके नीचे से जाकर ऊपर से निकल आया साला। ए चिरी मेरी, तुझे आईचा, मुझे आंख मारता है, मुझे आंख मारता है। तेरे को आंख कौन मारा रे? ये आंख क्या पत्थर है जो खींच के मारेगा? ये जो तेरा बल्ब ऑफ ऑन हो रहा है ना, एक ही झटके में साले को फ्यूज कर दूंगा। चल चल अंदर, चल चल, लात मत है, चल मल मार है, चल। अरे साला किसके लिए लगता है साला? चुप नालायक बदतमीज जानवर, मजाक करता है वो भी पीके लल्ले के साथ। क्या 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 करके ले ले? पीके ले ले। पीके, वाह 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 इंस्पेक्टर साहब वाह, क्या नाम है आपका? पीके ले ले। इससे पहले बहुत से ले ले सुने थे, जैसे कि थम्स अप ले ले, रोटी ले ले, अपनी गोटी ले ले, लड़की ले ले, लेकिन ऐसा निराला ले ले तो पहले टाइम सुन रहा हूँ। मुबारक हो इंस्पेक्टर साहब, क्या पावरफुल नाम है, मुबारक हो, क्लास। तुम इतना बड़ा सिटी का इतना बड़ा कमिश्नर है, हमारा ब्लैक का बिजनेस का, ब्लैक का धंधा का जनरल मैनेजर है, इस काम में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग शुड बी इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं। क्या बोलता है कॉमे बेबी? हाँ मैं उस किशन को तो छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अर्जुन के बच्चे को हर चीज नहीं, उस कमीने ने मेरी बेटी को अपने जाल में फंस के मैंने जीना आराम कर रखा है। उस कमीने किशन ने त्रिपाठी को बचा लिया, मुझे नफरत है उससे, इससे अच्छा है उन दोनों को जेल में सड़ने दो। hey, पर्सनल दोस्ती, आई मीन जाति दोस्ती, जाति दुश्मनी और जाति रिश्तेदारी का हमारा काम में कोई मतलब नहीं, जो आदमी हमारे काम का है उसको काम में यूज करना चाहिए और जो नहीं है उसका जिंदगी को फ्यूज करना चाहिए। वो दोनों हमारा इंपॉर्टेंट आदमी है, काम का आदमी है, वो दोनों जेल से छूटना चाहिए, छूटना चाहिए, छूटना चाहिए, यू इडियट। मगर बेटा, hey, कोई बेटा बेटा नहीं, जुर्म की दुनिया में कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, समझा तुम मेरे बेवकूफ बाप? मैं इंस्पेक्टर पी के ले ले, तुम दोनों पहले भी इस पुलिस स्टेशन में आ चुके हो, अब क्या है? मुझे ये दो बच्चे चाहिए। ये लॉकअप है, अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम बच्चे लेने चले आए। हम इनकी जमानत देने आए हैं, यू नो बेल, यू नो बेल नहीं हो सकते, इनकी जमानत नहीं हो सकती। देखो लेके पीले साहब, नहीं नहीं पीले केले साहब, क्या नाम है? पीके ले ले डैड। पीके ले ले अगर लेने पे उतर आए तो लोग लेना देना भूल जाते हैं बरखुरदार। नाउ गेट अप, गेट अप, चल कनिक अप। इंस्पेक्टर पीके ले ले। यस सर। ले ले इनसे जमानत कबूल करो और सबको छोड़ दो। वो देख वही है कमिश्नर। एनएस हो सर, आप शायद जानते नहीं ये कितने खतरनाक मुजरिम है, इन्होंने मंत्री जी पर बॉम्ब फेंका, अटेम्प्टेड मर्डर का केस है सर, बगैर कोर्ट गए मैं इन्हें छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं उन्हें छोड़ दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी नहीं। आई से नो आर्ग्यूमेंट, लिव देम। ये रे खाना भी है, दारू भी है, नोट भी है यार। क्या बात, सब असली है ना? अरे सब असली है, इनका ब्लड प्रेशर भी असली है। मुर्गी के मैं इतनी मेहरबानी हम पे क्यों? अरे सब बताता हूँ, पहले तुम शुरू तो करो। चलो देन चाचा यू डैड, हम तुमको बोला था ना। वाह खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, दिल भर के खाओ। मगर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे माँ बाप कौन है? कौन है माँ बाप? कोई भी
तो पाला किसने? ना माँ ना भाई ना बहन ना बाप, मेरा कोई नहीं। एक औरत है जो मेरी जिंदगी है। और तुम्हारा कौन है? अपना भी कोई नहीं, मुझे भी इसकी तरह उसी औरत ने पाल पोस कर बड़ा किया। अरे ये क्या, आप तो रो रहे हैं। हम लोगों ने कुछ गलत कहा क्या? नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा बेटा। ये जो मेरा दिल है ना, ये दर्द का सागर है, इसीलिए मेरी आंखें जो वो गागर की तरफ बह उठती हैं। मेरा जो दिल है ना, मेरी पसलियों के पिंजरे से सर टकरा टकरा कर रोता कि काश मैं उन हजारों अनाथों का कुछ बन सकता जिनका दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बेटा मेरे होते अपने आप को अनाथ मत समझो। अपने मन से अनाथ बने का ख्याल ऐसे निचोड़ के निकाल दो जैसे लोग गीले कपड़े में से पानी निचोड़ के निकाल देते हैं। निकाल दो बेटा। निकाल दिया बाबू जी, निकाल दिया। अगर आपके दिल में हमारे लिए इतनी भावना इतना प्रेम है तो हाथ से हम आपको अपने सगे बाप की तरह समझेंगे। क्यों अर्जुन? बिल्कुल। मैं जीत गया बेटा, मैं जीत गया। अभी आज मेरा रॉबी नहीं एक बेटा नहीं, मेरे तीन तीन बेटे, तीन तीन बेटे। पर बेटा एक गड़बड़ है, तुमने कितने बहादुर बच्चे होकर ये छोटे मोटे धंधे करते हुए अच्छा नहीं लगता तुम्हारे। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड दर्जा, उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्यासा आदमी किसी बहती नदी से चम्मच में पानी भर के घर भागे और वहाँ पीने की कोशिश करे तो सारा पानी तो रास्ते में गिर जाएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है। सही कहा, सही कहा। हाँ, इसके बारे में तो हम भी सोच रहे थे कि इस बार तो आप हमें हवालत से छुड़ा कर ले आए, लेकिन अगर पुलिस फिर हमें पकड़ के ले जाए तो फिर क्या हुआ? अरे नहीं बेटा नहीं, आज के बाद पुलिस तुमको हाथ भी नहीं लगा सकती है, क्योंकि पुलिस हमारा साथ में है। लीडर, लीडर हमारा साथ में है, इसलिए लॉ यानी कि कानून हमारा हाथ में है। जैसे तुम हमारा बाप को अपना बाप समझता है, फादर समझता है, वैसे तुम इन दोनों को भी अपना बाप समझो, फादर समझो। हाँ, हमें तुम अपना पिता समान समझो, हम तुम्हें अपने बेटे समान समझे। राइट। इम्पॉसिबल। इस आदमी को मैं अपना फादर नहीं, अपना फादर इन लॉ समझू। अबे साला क्या बोला, खाना नहीं खाएगा? इतने दिन से अपन तेरे लिए खाना बनाता है, धंधे का टाइम खोटी करता है, 25 रुपया 12 आना अभी तक तुमने अपन को दिया नहीं, ऊपर से भाव खाता है, बोलता है खाना नहीं खाएगा। अबे क्या चिकना कपड़ा पहने ला रहे बाप, हाथ नहीं लगाना। से भाड़े पर लाया क्या? हाथ नहीं लगाना, अपन का खरीदा है। हाँ। क्या? और ये ले तेरा 25 रुपया 12 आना। अरे कहां से लाया? बहुत पैसा है अपन के पास, इसकी कमी सिर्फ उस दिन तक थी जिस दिन तुझसे पहली मुलाकात हुई थी। मतलब दूसरी मुलाकात में तूने अपन से झूठ बोला था? दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात, चौथी मुलाकात, सब मुलाकातों में झूठ बोला था। सालक तेरी। ए, हाथ नहीं लगाना। सच तो ये है, झूठ बोलना तो बहाना था तुझसे बार बार मिलने का। पैसे दे देता तो तुझसे मुलाकात कैसे होती, तेरे हाथ का खाना कैसे खाता? आप उनसे शादी बनाते क्या? शादी? हाँ बनाएगा। अरे तुम रो क्यों रही हो? साहब अपन को तुम्हारे साथ कुछ खुलासा करने का। साहब अपन को जिंदगी में तुम्हारे से पहले एक फुटपाथी हीरो आया था। क्या? हाँ, अपन उसके साथ प्यार के चक्कर में फंस गया था, वो साला अपन को धोखा देकर पतली गली से खिसक गया। और क्या बताएगा साहब, अपन पेट से। साहब क्या तुम पेट से हो? तुम्हारी नजर से गिर गई ना, कहाँ जा रही हो? अरे बच्चा गिराने से तो अच्छा कि अपन खुद खींच करके अपनी जान दे देगा। तारा, 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 तारा। मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और अब भी चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। हाँ। तुमने कैसे सोच लिया तुम्हारी तारा इतनी घटिया औरत है, बच्चा भी तुम्हारा होगा और नाम भी तुम्हारा होगा। नाम है करण, अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता है, लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ा मुजरिम है। जानती हो? नहीं तो।
सच मानो मैंने ईमानदारी की रोटी कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खैर तुम नहीं समझोगी, और जिस दिन समझोगी उस दिन शायद मुझसे नफरत नहीं करोगी। तुमने मुझसे हमदर्दी की, थोड़े दिन के लिए ही सही अपने दिल में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चप्पल दाई जी चप्पल बाबा जी मी तुला छोड़ना नहीं। चलें बेड़ू, चल बेच। ये सच है इंस्पेक्टर कि मैंने जुर्म का रास्ता शौक से नहीं मजबूरी से अपनाया है, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं जुर्म को हमेशा खत्म करने के लिए ही, कानून और पुलिस की मदद करने के लिए ही गलत रास्ते पर चल रहा हूं, क्योंकि असली मुजरिमों तक पहुंचने के लिए सही रास्ता नहीं गलत रास्ता अपनाया जाता है। और अगर मैं ये साबित करने में नाकाम रहा तो ये सारी गोलियां तुम्हें वापस कर दूंगा, और शौक से तुम्हें मेरे सीने में उतार देना। माजी, आप और इस वक्त खैरियत तो है? बेटा, मैं तुम्हारे पास इस वक्त मदद के लिए आई हूँ। मदद? कैसी मदद? बेटा, इन सब के बच्चों की मदद करो। नशीली दवाओं का धंधा करने वाले लोग खुलेआम विद्यार्थियों के बीच जहर का व्यापार कर रहे हैं। आइसक्रीम और ऐसी खाने पीने की चीजों में गांजा, चरस, अफीम मिलाकर उनकी जिंदगी, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस तो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकी। बेटा, तुम उनकी मदद करो, उनकी जिंदगी बचा लो, ये तुमसे विनती है हमारी। माँ जी, आप जानती हैं ये चीजें कौन बेचता है और कहाँ से आती हैं? पुलिस, भागो! के ले ले, ये छोटी मछली है। बड़ी बास मार रही है। What? सर, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा। पहले मेरी बात सुनो, छोटी मछली की ठीक से धुलाई करोगे तो बड़ी मछली हाथ में आएगी, समझे? सर, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा। ये क्या है? छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी। छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी, यानी कि छोटे चोर की धुलाई करोगे तो बड़ा चोर खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा। हवलदार, कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर। यस सर, यस सर। ले जाओ इस बदबूदार मछली को। तुम लोग पहले इसकी पानी से धुलाई करो, मैं बाद में इस कुत्ते की अपने हाथों से धुलाई हाथ से धुलाई करूंगा। दूसरा पंखा चंपकलाल, मैंने तुम्हारे आदमी फर्नांडिस को इंस्पेक्टर पीके लेले के हवाले कर दिया है। अरे क्या मुसीबत है यार, ये अपना आदमी फर्नांडिस के हाथ में लग गया, और ये सुअर का बच्चा करण साला सुबह शाम धमकी देता, हाथ में नहीं आता, समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे ओ कमिश्नर बाबू, तुम क्या खड़े हो यार, कुछ अपनी वर्दी का धौंस दिखाओ और अपने आदमी को बाहर निकालो, वरना एक दिन मेरी जिंदगी की फिल्म में बहुत जल्दी जीएन का टाइटल आ जाएगा। इस बार आपका आदमी इंस्पेक्टर पी के लेले की गिरफ्त में फंसा हुआ है, और इंस्पेक्टर को आजकल मुझ पर भी शक है। अगर उसने सेंटर में कंप्लेन कर दी तो मेरा क्या अंजाम होगा इसका आपको अंदाजा नहीं है। एक तरीका है, और बिल्कुल है, जिस कोर्ट में फर्नांडिस को ले जाया जा रहा है उसके जज को खरीद लो। ये नामुमकिन है, जस्टिस सुमित्रा देवी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिकाऊ नहीं। अरे यार, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने? मिस्टर कमिश्नर, जो लोग बिकते नहीं है उनकी कोई ना कोई कमजोरी, वीकनेस जरूर होती है। जस्टिस सुमित्रा देवी की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। हाँ है, उसकी बेटी। देखा डैड, जियो जियो मेरे लाल, 1000 साल जियो, और तुम हराम कमाल पियो। फिर
Beautiful. Anastasia. Oh, why? Oh, come on. बस दुर्गा, मॉडलिंग बहुत हो गई, मैं थक गई हूँ, बाय। अच्छा माँ, मैं चलती। अच्छा बेटी, बाय। जल्दी आना। हाय बेब, तुम्हारी माँ से थोड़ा सा काम है, चलो। ड्राइव। कमिश्नर साहब, मैं जस्टिस सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। अभी अभी किसी अजनबी शख्स का फोन आया था, उसने मेरी बेटी शीतल को अगवा कर लिया है और मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसके कहने के अनुसार मेरा फैसला नहीं बदला तो वो मेरी बेटी को। आई सी, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो, लेट मी रॉबिन। रॉबिन, जस्टिस सुमित्रा देव का भी अभी फोन आया था, तुम्हें कुछ करो वरना हम सब फंस जाएंगे। डैड, उस जिद्दी जज सुमित्रा देवी ने हमारी सारी बात कमिश्नर को बता दी। अरे यार, ये औरत हमारे लिए जिद का पेड़ बनती जा रही, क्यों ने इस पेड़ की जड़ काट डाली? है चंपू, एक तरीका है इस जहरीले पेड़ की जड़ काटने का। हर जज के सामने उसकी टेबल पर पानी का एक गिलास होता है। हाँ, यस, पानी का एक गिलास होता है, तो उसके सामने भी पानी का एक गिलास होगा, लेकिन उसमें पानी नहीं होगा, जहर होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी माँ को नहीं मार सकते। योर ऑनर, ये मुजरिम फर्नांडिस है और ये इसके करतूतों की फाइल है, जिसे पढ़ने के बाद आपको सारी हकीकत का पता चल जाएगा। योर ऑनर, इस फाइल को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस मुजरिम को पुलिस रिमांड में रखने के लिए मैं क्यों जोर दे रहा हूं। योर ऑनर, मुझे विश्वास है कि इसके जरिए हम ऐसे लोगों को बेनकाब कर सकते हैं जो अपनी दौलत, अपनी हैसियत, अपनी कुर्सी, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके कानून के हाथों को कमजोर कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जुर्म के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। ऑनर, स्ट्रॉन्गली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। अदालत दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुलजिम फर्नांडिस को 15 दिन पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म देती है। बेल इज रिजेक्टेड। पानी, 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 पानी। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। 15 दिनों की मार खाने से तो बेहतर है कि मैं ये जहर पीकर हमेशा के लिए मर जाऊं। नहीं! ओह माय गॉड! अरे छोड़ उसको! नहीं! तू ऐसा नहीं मर सकता है। इसकी मां ने हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, मैं उसकी ममता के मुंह पे तमाचा मारूंगा। उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले इसकी इज्जत के दामन को तार तार करूंगा मैं। अरे ठहर जाना यार, इज्जत के दामन को तार तार करेगा, यहाँ खुद के तार ढीले हो गए। तू पहले मेरी बात को। अच्छा जैड, मैं इसकी जवानी की शराब से अपने तन की आग को बुझाऊंगा। मना कर इसको। रॉबिन सुनो, क्या है? इस लड़की को किसी अच्छे कोठे वाली के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि जो लड़की एक बार कोठे की जमीन पे कदम रख लेती है तो फिर वो दोबारा इज्जत की जमीन पे कदम नहीं रख सकती। हाँ। क्यों? अरे वाह 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 वाह, क्या 15.5 आने का आइडिया है। क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मैं बाजारी लड़की नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हूँ। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर लाया गया है। मुझे मुझे बचा लो। पहले तुम मुझे बचा। इस दुनिया की भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला। देखो देखो, रुक जाओ। दिन तो किसी तरह काट लेता हूं, मगर रात की तन्हाई मुझे काटती है। रुक जाओ,
होश में रहता हूं तो दिल जलता है, इस जलन के लिए शराब पीता हूं तो दिल सुलग उठता है। इस वक्त भी आंखों ठंडा कर दो, मुझे मेरी मां ला दो। क्या? मुझे मेरी मां ला दो। देखो दो रहो मुझसे, मुझे मेरी मां ला दो। Take your dirty hands off me, you silly fool. I am an educated girl, the daughter of a respected judge. I have been kidnapped and kept here against my will. Do you understand? Do you understand? तुम वाकई एक बाजारी लड़की नहीं हो? नहीं। सचमुच एक इज्जतदार घराने की लड़की हो? हाँ। जज सुमित्रा देवी की बेटी हो? हाँ। देखो अगर तुम सच्चे मर्द हो ना तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, मुझे मेरी माँ के पास वापस पहुंच जा दो। माँ की कसम? बहुत बड़ी कसम। मी किसन, मी मर्द, मी टेक यार। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर ये नहीं होते तो मैं किसी को मुंह दिखाने की लायक ही न रहती। ये कौन है? Thank you.
के सब अखबारों में मेरी तस्वीरें हैं, शहर के सब अखबारों में मेरी तस्वीरें हैं, ये जुल्फे कितने दीवानों की तकदीरें हैं, पर मेरी तकदीर है तू, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक मरवाने वाला वो स्टूपिड इंस्पेक्टर पी के ले ले, माफ करो, दोनों को मरवा देना चाहिए, और इन दोनों की एक ही कमजोरी है, द ओनली फीमेल कैब ड्राइवर इन टाउन, तारा, राइट, तो फिर देरी किस बात की है, लेट्स गो इन, गेट आउट। एयरपोर्ट से ताज का कितना भाड़ा होता है, तूने हजार रुपया मार डाला, अरे साले शर्म वरम है कि नहीं, अगर जरा से भी शर्म बाकी है ना तो अपनी टोपी और बिल्ला निकाल और किसी रेल के नीचे जाकर कट जा, हरामखोर। You take, Rokra. Thanks. I saying Mafi. What? Okay. He fool. Yeah. ठीक बोला? What? अबे जाने। Hey love. क्या करेगा इरादा बे? इरादा बहुत fantastic है स्वीनाज। पहचान हमको? हम वही romantic Robin है जो एक दिन तुम्हारे taxi में बैठा था, तुम्हारा गोरा गोरा टांग को इधर हाथ लगाया था, और तुमने हमको पुलिस स्टेशन में ले जाकर वो स्टूपिड इंस्पेक्टर से बोला था माफ करो माफ करो माफ करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है स्वीटहार्ट, हम तुमको आज उठा कर लेके जाएंगे। अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? हे वाइल्ड कैट, फॉलो मी, और बता दूंगी एक एक का। अरे छोड़ो, बोलो छोड़ो, अरे कोई है क्या? अरे बोल क्या कर रहे हो? कौन मारा? अरे बोल क्या? तुम लोग अभी इधर खाई को खड़ा है, जाओ 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 जाओ। Thank you.
भैया। कारा, कारा तो ठीक तो है ना? छोटी मछली पकड़ोगे बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी। कितना बंडल दिख रहा है, मेरे को तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है। उल्लू का पट्टा, अमेरिका गया था गुंडागर्दी की डिग्री पास करने के लिए, उसने फटी हुई डिग्री की तरह उठा के बाहर फेंक दिया। मेरा कितना पैसा नुकसान में गया नालायक। अबे आ बंद कर, अभी तो लगाया भी नहीं, पहले से चिल्लाता है। डैडी डैडी, क्या हुआ रॉबिन भैया को? है ना अबे जब, देखो बेटा किसी ने तुम्हारे भाई को पुराने फर्नीचर की तरह तोड़ के रख दिया। किसने? एक इंसान जिसने एक जमाने में तेरे पिता की कमर तोड़ दी, धंधे की कमर तोड़ दी, मेरी जिंदगी की कमर तोड़ दी। कौन है वो आरामजादा? हम उसकी कमर तोड़ देंगे। बेटा उसका नाम है करण। क्या हुआ? क्या बात है? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, और ये रहा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म क्या है ये तुम्हें पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। चलो ठहरिए, ये हाथ दूर कीजिए और मुंह से बात कीजिए। तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, समझा रहा हूं। मेरा जुर्म बता दो, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। हमारे पास वारंट है और जुर्म का कारण पुलिस स्टेशन में है, इसलिए तुम्हें हर हालत में हमारे साथ चलना होगा। और अगर मैं ना चलूं तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और अगर हम जबरदस्ती पर उतर आए तो शायद गोलियां भी चल सकती है। गोलियों की आंखें नहीं होती है ना, अंधी होती है बेचारी। मुजरिम के साथ साथ बेगुनाहों का भी सीना चीर कर निकल जाती है। हो सकता है तुम्हारी इस हरकत से बस्ती के बेगुनाह लोगों की जाने चली जाए, और उनकी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। हरंस डॉक्टर, तुम्हें नहीं यहां से नहीं ले जा सकते। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करोगे तो ढेर सारी लाशों की दीवार खड़ी हो जाएगी। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए दुनिया का कोई भी कानून मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। मैं बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा, ठीक है? चलिए। अरे अर्जुन, बड़ी प्यास लगी है यार। हाँ यार, मुझे भी बहुत तलब लगी। कौन हो तुम लोग? यह है कमिश्नर प्रेमराज, और यह है असिस्टेंट कमिश्नर यमदूत। तुमने हमारे डैडी यानी चंपकलाल का अपमान किया है। हमारे ब्रदर रॉबिन को तुमने बहुत मारा था ना, इसलिए डैडी तुमसे बदला लेना चाहता है, और रॉबिन हिसाब चुकाना चाहता है, और हम दोनों तुम्हें ऊपर पहुंचाना चाहते हैं।
शिकार का पीछा करते करते तुम यहां भी आ पहुंचे। हमें हुकुम है, हम उसे साथ लेकर ही जाएंगे। वो इस आश्रम में पना लेगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था मां। मगर इस घर ने तुम्हें भी एक दिन पनाह दी थी, ये तुम कैसे भूल गए? ये हम कब भूले मां? अगर अगर हम भूले होते तो तुम्हें मनी ऑर्डर क्यों भेजते? हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हें इतनी दौलत दें कि तुम इस यतीम खाने के बजाय एक आलीशान यतीम खाना खोल दो। क्यों भिड़ो है? अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हारे रुपयों को हाथ भी नहीं लगाती। खून, कत्ल, डाका जनी के रुपयों से जो मंदिर बनते हैं उनमें भगवान की नहीं शैतान की पूजा होती है। मगर मां सच्चाई यह है कि जिस दुनिया में आजकल हम जी रहे हैं वही सच्ची दुनिया है। तुम्हारी दुनिया ने हमें दिया ये क्या है? भूख, पकाकशी, जिल्लत। तुम्हारे ख्यालत पुराने हो चुके हैं मां। ये जमीन, ये समुद्र, ये आकाश, तुम इनके बगैर अगर जीना जानते हो तो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मिटाकर शैतान की दुनिया आबाद कर लेना। तुम नहीं समझोगी मां, इसलिए उस दिन फंक्शन के बाद हम तुम्हें मिलने नहीं आए। नहीं, तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम बेनकाब हो चुके थे। तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हारी असली सूरत मेरे सामने आ चुकी थी। मगर याद रखना, अपराध की जिस मशाल को तुम लिए घूम रहे हो एक दिन उसी की आग में तुम जलकर राख हो जाओगे। वो दिन कितना बदनसीब था जिस दिन मैंने तुम दोनों हैवानों को जिंदा रखने की गलती की। काश उस दिन मैंने तुम्हें भूख से बिलखने के लिए वही छोड़ दिया होता माँ, और तुम्हें वही कचरे के डिब्बे में सड़ने के लिए छोड़ दिया होता माँ। हमारे रास्ते से हट जा माँ, हमें अपना काम करने दो माँ, वो कहीं भाग ना जाए। चलो अर्जुन। रुक जाओ, तुम्हें मेरे खून की कसम। हमें खून की कसम देकर रोकने की कोशिश मत कर मां। अरे गोली मारो इसी मां को, वो औरत हमारे रास्ते में आएगी ना तो गोली मार डालेगा। अकेला खामोश, तम्बाकू लगाम दे नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। वो हमारी मां है मां, अगर तूने मां के खिलाफ कुछ बोला ना तो तेरे गले की नली काट कर गटर की नली में फेंक देंगे, समझाते? अरे नहीं बेटा नहीं, नहीं ये तो बेवकूफ आदमी है, मार खाने के बाद इसकी अकल इसकी नाक के रास्ते बह गई है। तुम्हारी माँ को कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोलेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारी माँ के बारे में। समझा देना इसे। समझा देना, चलो तुम आराम करो। जो 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 आराम करो। ये लोग हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं, ऊपर से औरत के नाम को धमकी देते हैं। अबे क्या धमकी देते? तू सलाह किसी दिन बीच और मेरे को जूते खिला देगा। इस बर्फ में बदबू है, सिंक्स। ये बर्फ नहीं गोबर है, जख्म के लिए अच्छा होता है। खून बहुत बह चुका है, मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं इसे बचा भी सकूंगा या। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब कि इलाज और दवाओं की एक सीमा होती है, जब दवाओं का असर खत्म हो जाता है तो दुआओं की सीमा शुरू होती है। आप अपना इलाज जारी रखिए, मैं अपनी प्रार्थना जारी रखती हूँ। माँ,
है प्रभु। सच कहता हूं तारा बहन, मैंने उसे बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका उसका कहीं पता नहीं चला बहन। अपन को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी करो, किधर से भी ढूंढ के लेके आओ, उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया। मत रो बहन। तुम पुलिस वाला है ना, उसको ढूंढ नहीं सकता। ऐसे इज्जतदार लोगों के खिलाफ वारंट क्या सबूत है तुम्हारे पास? इनकी बेटी का लिखित बयान। इनकी बेटी कहां? इनकी बेटी अपने छोटे से प्यारे से घर में मौजूद है और ये उसके हाथ का लिखा हुआ बयान है। बेहतरी इसमें होगी आप इस अरेस्ट वारंट पर दस्तखत कर दीजिए। सिग्नेचर। मैं इस मामूली से कागज के टुकड़े पर बिना वजह साइन नहीं कर सकता क्योंकि 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 आप उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। शट अप। तो कौड़ी का इंस्पेक्टर मुझ पे इल्जाम लगाता है, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूं। तुम इस वर्दी के लायक नहीं हो। मेरी वर्दी को हाथ मत लगाना, इसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं ये वर्दी खुद तुम्हारे हवाले करता हूं और उस वक्त वापस ले जाऊंगा जिस वक्त यह साबित कर दूंगा कि इसके हकदार तुम जैसे कानून के साथ गद्दारी करने वाले नहीं है बल्कि मेरे जैसे कानून के रक्षक हैं। इंस्पेक्टर पी के ले ले, झाड़ू हाथ में ले ले, नीचे से नहीं सफाई ऊपर से शुरू कर दे। पंडित जी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ जी आपका एक एहसान तो था ही मुझ पर, अब मेरी जान बचाकर दूसरा एहसान किया है आपने। बताओ मां इन एहसानों के बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? एहसान? ममता की दुनिया में एहसान जैसा कोई लफ्ज नहीं है बेटा, ना ही एहसान का सौदा होता है। अगर मैं इन अनाथ बच्चों को अपने आश्रम में लाकर पालती हूं, इन्हें प्यार देती हूं, इन्हें सच्चाई पर चलने का रास्ता दिखाती हूं तो इनके नेक बन जाने पर मुझे अपनी कीमत मिल जाती है। जैसे आज तुमने जो ये रास्ता अपनाया है, अब बेटी तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर है। मगर अपने उन दो बेटों को मैं नहीं सुधार पाई, उन्होंने मेरी ममता को गुमराही के कदमों तले कुचल डाला है। माँ जी कौन है वो? तो वही दो जो तुझे जान से मार डालना चाहते हैं। क्या वो? हाँ, वो जुन की उस दलदल में फंसे हैं जहां से ना जाने कितनी माओं के लाल मुजरिम बनकर निकलते हैं। उन्हें वापस ले आ बेटा, नहीं तो इस माँ की ममता बदनाम हो जाएगी। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा और मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा। जिनसे मुझे इंतकाम लेना था अब मैं उन्हें सुधार कर सही इंसान बनाकर तुम्हारे चरणों में ले आऊंगा, ये मेरा वादा है, एक बेटे का मां से वचन है। कहाँ जाना है? वहां जहां प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। अरे नाम है कोई ऐसी जगह का? कोई भी मंजिल जहां कोई भी पंडित मंत्र पढ़कर सात फेरे लगाते हैं। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। राइट राइट राइट, राइट। ये क्या तुम फिर शराब पी रहे हो? या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और खुशी का मौका भी है। तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे? एक मिनट, वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालात की है इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया। क्योंकि शट अप, इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं। जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते? नहीं। हमसे शादी भी नहीं करोगे? नहीं। अरे इन लड़कियों को सताया ना तो ये टैक्सी भी अब उनके बाप का है क्या? उठाकर बाहर फेंक देगा समझा? अरे तुम क्या फेंकोगे, हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं। क्यों अर्जुन? चल चल। Yeah!
तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है। अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। और तुम्हें पता है अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा हो गई तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा। तो क्या हुआ, प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है, क्यों अर्जुन? हाँ यार किशन, हे, अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढ कर आत्महत्या कर लो, साला छुटकारा भी मिल जाएगा, क्यों किशन? चले गए आत्महत्या करने। अरे आप क्या ऐसी जगह ले चलो जहां आत्महत्या कर सके। अरे कूद जाओ कूद जाओ, आज अगर तुम लोग इधर से कूद गया ना तो अपन भी साला तुम लोग के पीछे पीछे कूद जाएगा। क्यों, तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या? अरे नहीं रे, अपन को धोखा दिया होता ना तो अपन उसको उधर ही थोपड़ डालता। साला भाग गया, मर जाते ना, ऐसे ही होते हैं। औरत जात के बगैर रह नहीं सकते। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि उन दोनों को नरक से निकालो और करण की मदद करो। मगर हम उन्हें शराब पीने से रोकना चाहते हैं। और तुम तो कह रहे हो कि हम उन्हें शराब पिलाए। अरे एक दिन और पीलेंगे तो क्या मर जाएंगे? तुम दोनों समझी नहीं, अगर तुम उन्हें होश में यहाँ लेकर आई तो यहाँ खून खराबा हो सकता है और शायद हम तीनों की लाशें तुम्हें यहाँ मिले, और अगर शराब पिला के लाई तो हो सकता मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। We'll be right back.
ये मंदिर है क्या? और नहीं तो क्या नजर आता है, साले कितना बेवड़ा पीकर आए। जा जा अंदर जा। अर्जुन ये मंदिर है। ये मंदिर है? या, ये मंदिर है। चलो जय हो जय हो। ये मंदिर है। अरे ये मंदिर है। ये मंदिर है क्या? तो साला पुजारी किधर गए? पुजारी इधर है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। हैरान हो ना कि ये गोलियां तुम्हारे सीने में उतरने से पहले पिघल क्यों गई? ये उन आंसुओं का असर है जो एक देवी ने बहाए तुम दो नालायक बेटों के लिए। देखो बकवास बंद करो। तुम हमें मारना चाहते हो ना? मारो। हम मौत से नहीं डरते। तुम मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि जो तुम्हारे अन्नदाता बने हैं उन्होंने कहा है कि मौत से तुम शहीद हो जाओगे। और शहीद तो तुम उस दिन हो गए थे जिस दिन तुम्हारे बाप के प्यादे ने तुम्हारी माँ को कोठे पे फिकवाया था और तुम्हें कचरे के डब्बे में। वो बाप उन अन्नदाताओं में से एक है। बकवास कर रहा है ये तुम्हें बहका रहा है। मैं बहका नहीं रहा हूँ, वो पुलिस कमिश्नर तुम्हें बहका रहा है जिसने शादी के बजाय तुम्हारी मौत का प्रोग्राम बनाया है। कोई सबूत है तुम्हारा? है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो ये लो रिवॉल्वर और इसकी सारी गोलियां मेरे सीने में दाग देना। और अगर मैं सही साबित हुआ तो हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। ये ठीक कहते हैं बेटे, ये ठीक कहते हैं। वो प्यादा मैं हूं जिसने तुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। मैं हूं। मैं जानता हूं तू नाजायज नहीं बेटा। मैं जानता हूं तेरा बाप कौन है, तेरी मां कौन है, वो कहां रहती है। मैं जानता हूं बेटी। हेलो कौन? मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता बनारसी बोल रहा हूं, बनारसी। सुनो देवकी जिंदा है और वो बच्चा जिसे तुमने कचरे के डब्बे में भिगवा दिया था आज मैं माँ से बेटे को मिलवाने जा रहा हूँ। और तुम्हारे बेटे का नाम है किशन। गली के उस तरफ रहती है तुम्हारी माँ। ये कोड़ियों की बस्ती बेटा। आ जाओ आ जाओ बेटा। मुझे इस गंदगी से निकाल ले बेटा। बीमार जिस्म का कोई खरीदार है जिसे तू लेकर आया है? मैं तेरी अमानत
वापस कर तेरे बेटे को तेरी वाली करने देवकी। की तकदीर ने ऐसे ये हक भी छीन लिया कि मैं अपनी औलाद को सीने से लगा सकूं। मैं इस लायक नहीं। मैं क्यों मत मुझे क्यों मत मुझे मुझे कौन है माँ? रोग जिस्मों का होता है माँ, आत्माओं का नहीं। और फिर एक माँ का दूध अगर बच्चे के हजार बीमारियों को ठीक कर सकता है तो फिर बेटे की मोहब्बत माँ की बीमारियों का मरम क्यों नहीं बन सकती माँ? माँ चल मेरे साथ, तेरे कदमों से मेरा घर मंदिर बन जाएगा माँ, मंदिर बन जाएगा, चल मेरे साथ। नहीं बेटे, नहीं। मुझे पाप का भागी मत बना, मैं तो गुनाह के दलदल में गिरी हुई एक बच्चा। नहीं माँ, भगवान की मूर्ति अगर गलती से किचन में गिर जाए तो वो नापाक नहीं हो जाती है माँ। भीम देखे जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे मैंने तेरी पूजा की है माँ। जिद मत कर बेटे। माँ बचपन से आज तक मुझे अपनी माँ से जिद करने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे को जिद पूरी कर लेने दे माँ। माँ मैं तेरे पांव पड़ता हूं माँ, तेरी हर मजबूरी हर बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तू इनकार मत कर। एक बार अपने बेटे को गले से लगा ले मां, गले से लगा ले मां। बेटा रसिकलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जिंदा? हाँ, औरतों की इज्जत के व्यापारी मैं जिंदा हूं। ये मक्कार जो सफेद पोशाक पहने औरतों को ऊंचा मुकाम दिलाने के दावे कर रहा है, ये वही कमीना है जो आज तक खुद औरतों को बाप की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करता रहा है। इस समाज में बहुत सारी औरतें इसके बाप की निशानियां इसके हराम के औलादे लिए हुए दुनिया से मुंह छुपाती फिर रही है, और उन हराम के औलादों में उन बाप की निशानी में से जो एक निशान आपके सामने खड़ा है वो मैं हूँ। बातों में बताओ जैसे कचरे के डब्बे से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी आज वैसे ही। साहब आप? हाँ मैं, हाथ में झाड़ू ले लिया है, इस देश के कचरे को साफ करना है नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखो आजकल कचरे के डिब्बे में लीटर पड़े हुए मिलते हैं, इन्हें तो कोई म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी भी ले जाने को राजी नहीं। सर आप जानते हैं इसे किसने मारा है? अरे इसे किस्मत ने मारा और किसने मारा है। अरे मैं तो कहता हूँ कि इसकी लाश को यहीं पड़े रहने दो, गली कूचे के कुत्ते खाएंगे, किसी का तो पेट भरेगा। अरे कब्रिस्तान जाएगा तो उधर के मुर्दों को भी तंग करेगा। ही शैल बी वेरी डिस्टर्बिंग। Arjun! Sagrika!
अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना तो मैं उस सड़क छाप बंजरू को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। सड़ता रहेगा वहां फिर। डैडी! क्या? अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा। सुनो इंस्पेक्टर, रात को इसके सेल का दरवाजा खुला छोड़ देना। ये भागने की कोशिश करेगा, गोली मार देना। चल, किल हिम। लेकिन लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इट्स माय ऑर्डर। और क्या, सारी जिंदगी तुम दो स्टार पर ही जीना चाहते हो, तीसरा स्टार नहीं चाहते? सुनो, तुम जा सकते हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धकर्मा। मुझे माफ कर अर्जुन, मैं मजबूर थी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैंने जहर खा लिया। I'm sorry, ये तो पुलिस केस है। और ये बॉम्ब है, अगर ये मर गई डॉक्टर तो मैं सारे अस्पताल को उड़ा दूंगा, समझा? इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले आइए। और देखो डॉक्टर, पहले पेशेंट का इलाज करना चाहिए, बाद में तहकीकात। आइए। थैंक यू सर। मौत से तो नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले इतना बता देना चाहता हूं कि आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी के कारण तुम हो। तुम इंसान नहीं कमिश्नर, हैवान से भी बदतर हो, हैवान से भी बदतर हो। चलाओ गोली, चलाओ गोली। Shoot him. What? I said shoot him. No, hold it. No, sir. ना हम गोली चलाएंगे और ना आप। क्या बकते हो? माफ कीजिएगा सर, आप गलत कर रहे हैं और मैं गलत ऑर्डर पे अमल नहीं करूंगा। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो मुझ पर चलाइए। आला रे आला, इसके ले ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला। चप्पल आई थी चप्पल बाबा जी, मी तुला सोड़ना ना है। एक दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म उतारी थी और आज सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले ले तेरी यूनिफॉर्म उतारने का ऑर्डर लेकर आया है। ये देख, दिस इज एन ऑर्डर विच सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले ले गॉट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच क्लियरली स्टेट सच रिस्पॉन्सिबल यूनिफॉर्म इज नॉट मेंट फॉर पीपल हु आर इरिस्पॉन्सिबल फ्रॉड एंड कल्प्रिट्स। Because of you people, the country is suffering, the nation is suffering, the public is suffering. अरे मैं तो इंग्लिश में बोल गया। हंसेगा नहीं। यूनिफॉर्म उतार, उतार, उतार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म उतार। ये टाइम, ले जाओ इसको, चल।
अर्जुन, अर्जुन, आई लव यू अर्जुन। इस बूढ़े प्रिंसिपल को माफ कर दो बेटे, मैं कॉलेज की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे कॉलेज में वापस आने की भीख मांगता हूं। वाकई बेटे तुम इंसान नहीं देवता हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये क्या लग रहा है यार? हेल हिटलर। कौन कौन हिटलर? हिटलर हिटलर ये पाप, हिटलर तुम। मैं? हाँ तुम हिटलर, तुम रावण, तुम मुझे? हाँ पाप। हजारों साल पहले एक बुरी आत्मा आई थी जो रावण के अंदर घुसी, और वही आत्मा रावण के बाद हिटलर के अंदर घुसी, और अब हिटलर के बाद वो आत्मा तुम्हारे अंदर घुसी है। पाप तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर? हाँ तुम्हारे अंदर पाप। तुम इंसानियत का खून करना, कानून का खून करना, इंसानों का खून करना, और कहना कि ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ये खून उन आत्माओं ने करवाया जो तुम्हारे अंदर है। तब तुम्हारा कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बाप कानून शरीर पकड़ सकता है, आत्मा नहीं पकड़ सकता, आत्मा नहीं पकड़ सकता, है ना? हिटलर, हिटलर हमारी बात सुनो। हमारे दो साथियों को मरवाने वाले वो साले दो छोकरे किशन और अर्जुन, और किशन और अर्जुन के साथ मिल गया करण, और इन तीनों की मां सावित्री देवी। मां को खत्म कर दो बाप, तीनों खुद ब खुद टूट जाएंगे। दिल ब्रेक। मौत का तूफान ले चलो और उस बुढ़िया की जिंदगी का दिया बुझा दो। नमस्ते। मैं भटक गया था, मुझे माफ कर। किशन हमें माफ कर दे मां, माफ कर दे। मैं तो इसी दिन के लिए जिंदा थी कि कब मेरे दोनों बेटे बुराई का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर लौट आएंगे। आज वो दिन आ गया। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। बेटा आज तूने खून का कर्ज अदा कर दिया। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मां हम इनसे और हम और अपने से कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें। कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें। कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें। मोहब्बत थोड़ी, मोहब्बत थोड़ी थोड़ी सी। कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें। कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें। मोहब्बत थोड़ी, मोहब्बत थोड़ी थोड़ी सी। कभी तुम हमसे जिसमें ना हो कोई शिकवा गिला, जिसमें ना हो कोई शिकवा गिला, उस प्यार का खाक आए मजा, उस प्यार का खाक आए।
कभी हम तुमसे करें, कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें शिकायत थोड़ी, शिकायत थोड़ी, कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी, मोहब्बत थोड़ी थोड़ी सी। जब प्यार का रोग लग जाएगा, जब प्यार का रोग लग जाएगा, तब दिलगी का मजा आएगा, तब दिलगी का मजा आएगा, दिल चैन तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें, कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें लगावट थोड़ी, लगावट थोड़ी, कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी। हम तुम नादान है, मौसम है, फुर्सत है, अरमान है, थोड़े से हम तुम नादान है, मौसम है, फुर्सत है, अरमान है, फिर हम किस लिए परेशान है, ओ परेशान है, कभी तुम हम पे करो, कभी तुम हम पे करो, कभी हम तुम पे करें इनायत थोड़ी, इनायत थोड़ी थोड़ी सी, कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें शरारत थोड़ी, शरारत थोड़ी थोड़ी सी, कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी। मेरे भगवान, तूने मुझ पर वो उपकार किए हैं कि मैं अपने खून से भी तेरे चरणों का अभिषेक करूं, तो कम है। तूने मेरे तीनों बच्चों को बुराई की दलदल से निकालकर सच्चाई का रास्ता दिखा दिया भगवान। अभी तीनों तेरे हवाले, इन्हें बुराई से बचाना, सच्चाई का रास्ता दिखाना, वो दुनिया की सारी खुशियां इनके दामन में भर देना। हम खोपड़ियों के दिए में इंसानों का खून जलाकर अंधेरा पैदा करते हैं, और तू हमारी सल्तनत में दिया जलाकर रोशनी पैदा करने आई है? नामुमकिन। चंपू, तू तू चंपू है ना? चंपू नहीं, एडलर चंपकलाल। तू कौन है? मैं सावित्री, आनंद की पत्नी, उस आनंद की जिसे तू अपने साथ जुर्म की दुनिया में ले गया था। अपना सुहाग तो मैं नहीं बचा पाई, मगर अपने उस बेटे के लिए मेरे दिल में ममता है,
बता बता मेरा बेटा कहाँ है? ए, सावित्री का बेटा, उसका अपना खून तो यहीं रह गया, क्या करें? चंपू तेरा कोई भी नहीं है, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। बेटा मिला तो दूंगा, मगर उससे मिलकर तुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि तेरा खून तुझे पहचानेगा नहीं, और अगर पहचानेगा तो अपनाएगा नहीं। फिर भी अगर मिलना चाहती है तो मिला देता हूं, ये हा? ये तेरा बेटा है। क्या क्या जो, ये मेरा बेटा है? बेटा। नहीं, कोई बेटा बेटा नहीं, हमारा कोई माता नहीं, कोई फादर नहीं, कोई जज्बात, कोई फीलिंग, कुछ नहीं। ऑलराइट, शॉर्टकट से बात करो, वो तीनों को किधर छुपा के रखा तुम? हाँ नहीं बेटा, तू इस शैतान की सिखाई हुई बातें मत कर, इसकी वजह से तेरे पिता को ब्याह हुए, उनकी हत्या हुई, इसकी वजह से तू यतीम। बोलना शॉर्टकट, बकवास नहीं मांगता। किधर है वो तीनों? हम उन तीनों को खत्म कर देगा, दैट इज ऑल, यू अंडरस्टैंड? क्या भूल करके भी ऐसी बात मत करना, वो मेरे बेटे हैं। oh. मैं तेरी माँ हूँ। oh, really? मैं उनके hey, don't touch me! ये तूने क्या कर दिया माँ, हमारे हाथ बांध दिए, हमें मजबूर कर दिया तूने, क्यों माँ क्यों क्यों? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। अहिंसा क्या औलादो, अहिंसा नॉन वायलेंस पर यकीन करने वालों, ये जवानी के कांधों पर कूली बनकर किसका बोझ उठा कर ले जा रहे हो? रावण की बस्ती में आकर राम नाम सत्य नहीं, रावण नाम सत्य बोलो, क्योंकि तुम्हारी तीनों सीताएं रावण के कब्जे में हैं। हिंसा करने वाले हाथ मेरी अंतिम क्रिया करने का अधिकार नहीं रखती। मुझे वचन दो, हिंसा करने मुझे वचन दो कि तुम हिंसा के रास्ते पर कभी नहीं चलोगे। रावण बेटे, इनके होंठ कुछ ज्यादा ही मजबूत धागों से सिले हुए हैं। डोंट वरी डैड, एक ही हाथ से सारी सिलाई खोल देते हैं। स्क्रू देम। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये ऐसे नहीं मानेंगे। बच्चे लोग, तीनों का वस्त्र हरण कर डालो। इनके रास्ते में फूल बिछाओ, फूल डालो, सारी पार्टल्स। एक और आई है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम 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 सत्य है, राम 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 सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम
सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एजी जी। जी बीजेपी। ये मरने वाली औरत बेचारी कितनी बदनसीब है। क्यों? इसका असली बेटा जिंदा होते हुए भी नकली बेटे इसकी चिता को आग दे रहे हैं। असली बेटा कौन है वो मैं जानता हूं, बताऊं? इस मरने वाली का असली बेटा, उसका अपना खून, ये रॉबिन है। मेरी कोक से जन्मा हुआ बेटा भी अगर पापी निकले तो उसका विनाश करना तुम्हारा कर्तव्य है। जड़ में हूं, रावण झूठ है, मैं झूठ हूं, सिर्फ राम सच है, सिर्फ राम सच है, सिर्फ राम। कहो कहो राम नाम सत्य है, कहो राम नाम सत्य है, कहो राम नाम सत्य है, राम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अर्जुन शपथ आई जी चप्पल बाबा जी, इस देश में जितनी गंदगी है ना उसको झाड़ू मारने के लिए पीके ले ले आ रहा है। गले गले ले 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 ले। कभी तुम हमसे करो, कभी हम तुमसे करें। Yeah.
कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें कभी तुम हमसे करो कभी हम तुमसे करें मोहब्बत थोड़ी